जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं रोशनी की रिपोर्टिंग व जनवाद टाइम्स सच के साथ एक कदम। हम आज आए हुए हैं समता बुद्ध विहार में। ये इस बुद्ध विहार में जहाँ पे हम आए हुए हैं, इस बुद्ध विहार की नींव रखी थी जो हमारे बीच से चले गए हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी, और जिन्होंने धम्म को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर वो कार्य करते रहे, और उनके ही अंडर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक धम्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक बाबूजी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी कब से ओपन हुई है? जब से ये संत बुद्ध विहार बना है। अच्छा, तब से ही ओपन जी, तभी से ये। अच्छा, ये इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण के बारे में तो इतनी जानकारी मुझे नहीं है जी। लेकिन हाँ, काफी लोगों का सहयोग है इसमें। ये सभी सहयोग से बनी आई है, अलमारियां भी और ये अपना किताबें बुक्स जो भी हैं, ये सभी बाबा साहब अंबेडकर से रिलेटेड हैं और भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं। तो जो बुद्धिजीवी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, उनके सहयोग से ये लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे कितने बच्चे रोज डेली अध्ययन करने के लिए आते हैं? अध्ययन का ऐसा है कि जब से लॉकडाउन हुआ है जी, तब से तो बहुत कमी आ गई है। बाकी यहाँ पर अध्ययन के लिए मोस्टली आते रहते हैं लोग। अच्छा, लगभग कितने बच्चे यहाँ पे आके इस लाइब्रेरी का लाभ उठा पाते हैं? अभी तो कहना नामुमकिन है क्योंकि स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं। अच्छा, क्या आप लोग जी क्या आप लोग इसकी फीस भी लेते हैं? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। बच्चा कितने भी देर तक आके बैठ के पढ़ सकता है? बिल्कुल, सुबह से लेके जब तक उसका मन करे तब तक वो पढ़ सकता है। कौन सी किताबें उपलब्ध है यहाँ पे? मैंने आपसे कहा ना, भगवान के लिए केवल धम्म की या फिर अलग जो धम्म से रिलेटेड है? केवल धम्म की यहाँ पे किताब, धम्म से रिलेटेड है। अच्छा। भगवान बुद्ध के जितने भी हैं उनके उपदेश हैं और धम्म से जो भी बुद्ध से रिलेटेड है वो सभी बुक्स यहाँ पर हैं। यदि सभी इनके सहयोग से है। यदि लाइब्रेरी का मतलब ही होता है कि यहाँ पे बच्चे आए जो प्रिपरेशन करें, जो अपनी पढ़ाई करें, उसके साथ साथ तो धम्म को जाने। लेकिन सिर्फ धम्म को जाने सर, ऐसे कैसे? देखिए क्या होता, पढ़ाई है भी जरूरी है। हाँ, पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है जी। पहले तो पढ़ाई है, शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य हमारी उन्नति है जी। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी यही कहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे फोटोज भी लगी हुई है। अभी लड़की की भी फोटो दिखाएंगे, लड़के लड़कियों की फोटो यहाँ पे लगी है। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़कियों की, लड़कों की फोटोज लगी है और ये पूरी फाइल भरी हुई है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है ये। क्या इसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं। क्या इसका कोई चार्जेस भी लेते हैं? चार्जिंग होता है इसका, थोड़ा बहुत ज्यादा मामूली चार्ज है, 500 लेते हैं हम इसका। अच्छा, स्टार्टिंग। अच्छा, जब शादी हो जाती है उसके बाद भी कुछ लेते हैं? जैसे पंडित लोग लेते हैं? जैसे पंडित लोग लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 11,000 रुपया लिया जाता है शादी। हाँ जी, हाँ जी, शादी कराई का। बिल्कुल सर। अच्छा, मतलब शादी कराने का पूरा 11,000। शादी कौन करवाता है? भंते जी कराते हैं, हम सब भी करा देते हैं। और जैसे जिनके राजी है, बुद्ध विहार में जैसे शादियां होती हैं जी जी, बुद्ध विहार में भी होती है। अदर में भी कोई कराना चाहे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए, अच्छी जानकारी मिली। इसका जो विवरण है हम आपको और बता देंगे, दिखा देंगे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।